हेलो फ्रेंड, स्वागत है एक बार फिर आपका हमारे चैनल में सांसारडस में। और आज की इस वीडियो में हम इंडियन फिल्म इंडस्ट्री की स्टार एक्ट्रेस संदली सिन्हा की रिलीज तमाम मूवीज की बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट आप व्यूअर्स के साथ शेयर करने जा रहे हैं। व्यूअर, एज एन एक्ट्रेस संदली सिन्हा की इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के लिए डेब्यू मूवी थी तुम बिन, और इसके अलावा अब तक वो इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में कितनी मूवीज में काम कर चुकी है और उनकी कितनी मूवीज हिट, कितनी फ्लॉप और कितनी ब्लॉकबस्टर रही हैं, आज की इस वीडियो में यही डिटेल हम आप व्यूअर्स को प्रोवाइड करेंगे। तो चले व्यूअर्स, वीडियो का आगाज करते हैं इस इंट्रो के बाद। तो व्यूअर, एज एन एक्ट्रेस संदली सिन्हा की बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री के लिए डेब्यू मूवी का नाम है तुम बिन। इस फिल्म को डायरेक्ट किया था अनुभव सिन्हा ने। फिल्म की लीड कास्ट में प्रियांशु चटर्जी, संदली सिन्हा, हिमांशु मलिक और राकेश बापट शामिल थे। इन चारों की बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री के लिए डेब्यू मूवी थी और ये फिल्म 13 जुलाई 2001 को रिलीज हुई थी। तुम बिन एक रोमांटिक मूवी थी जिसे IMDb 10 में से 7.5 स्टार दिए गए थे। 2 करोड़ 75 लाख के बजट में बनी इस फिल्म ने इंडिया में 4 करोड़ 43 लाख के कलेक्शन किए। फिल्म के वर्ल्ड वाइड कलेक्शन में 6 करोड़ 91 लाख और बॉक्स ऑफिस पर तुम बिन एक एवरेज मूवी साबित हुई। अशोक होंडा की डायरेक्शन में बनने वाली मूवी ओम। फिल्म की लीड कास्ट में आतिन भल्ला, संदली सेना, प्रकाशा, शरद सक्सेना और मुकेश तिवारी शामिल थे। ये फिल्म 21 मार्च साल 2003 को रिलीज हुई थी। ओम एक एक्शन रोमांटिक मूवी थी जिसे IMDb 10 में से 4.3 स्टार दिए गए थे। 3 करोड़ 25 लाख के बजट में बनी इस फिल्म ने इंडिया में 2 करोड़ 20 लाख के कलेक्शन की और फिल्म के वर्ल्ड वाइड कलेक्शन में 3 करोड़ 50 लाख और बॉक्स ऑफिस पर ओम एक डिजास्टर मूवी साबित हुई। चंद्र प्रकाश द्विवेदी की डायरेक्शन में बनने वाली मूवी पिंजर। फिल्म की लीड कास्ट में उर्मिला मातोंडकर, मनोज वाजपेयी, संदली सिन्हा, प्रियांशु चटर्जी, संजय सूरी, कुलभूषण खरबंदा, ईशा कुबेकर और फरीदा जलाल शामिल थे। यह फिल्म 24 अक्टूबर 2003 को रिलीज हुई थी। पिंजर एक सोशल ड्रामा मूवी थी जिसे IMDb 10 में से 7.9 स्टार दिए गए थे। 12 करोड़ के बजट में बनी फिल्म ने इंडिया में 3 करोड़ 43 लाख के कलेक्शन की और फिल्म के वर्ल्ड वाइड कलेक्शन हुए 5 करोड़ 69 लाख और बॉक्स ऑफिस पर पिंजर एक डिजास्टर मूवी साबित हुई। अनिल शर्मा की डायरेक्शन में बनने वाली मूवी अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। फिल्म की लीड कास्ट में अमिताभ बच्चन, अक्षय कुमार, बॉबी देओल, दिव्या खोसला और संदली सिन्हा शामिल थे। ये फिल्म 24 अगस्त 2004 को रिलीज हुई थी और अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों एक वॉर एक्शन ड्रामा मूवी थी जिसे IMDb 10 में से 4.6 स्टार दिए गए थे। 20 करोड़ के बजट में बनी इस फिल्म ने इंडिया में 11 करोड़ 56 लाख के कलेक्शन की और फिल्म के वर्ल्ड वाइड कलेक्शन में 18 करोड़ 55 लाख और बॉक्स ऑफिस पर एक डिजास्टर मूवी साबित हुई। दिलीप शंकर की डायरेक्शन में बनने वाली मूवी निगेबां। फिल्म की लीड कास्ट में समीर धर्म अधिकारी, संदली सिन्हा, सयाजी शिंदे और गोविंद नामदेव शामिल थे। यह फिल्म 25 फरवरी 2005 को रिलीज हुई। निगेबां एक थ्रिल मूवी थी जिसे IMDb 10 में से 2.6 स्टार दिए गए थे। 1 करोड़ 25 लाख के बजट में बनी इस फिल्म ने इंडिया में 30 लाख के कलेक्शन की और फिल्म के वर्ल्ड वाइड कलेक्शन में 46 लाख और बॉक्स ऑफिस पर एक डिजास्टर मूवी साबित हुई। एस वी कृष्णा रेड्डी की डायरेक्शन में बनने वाली मूवी और रे पांडू। फिल्म की लीड कास्ट में सचिन जोशी, संदली सेना, बाबू मोहन और भानुप्रिया शामिल थे। ये फिल्म 11 फरवरी 2005 को रिलीज हुई थी। तेलुगु लैंग्वेज की एक रोमांटिक मूवी थी जिसे IMDb 10 में से 2.8 स्टार दिए गए थे और बॉक्स ऑफिस पर एक फ्लॉप फिल्म साबित हुई। नंदिता सिंगा की डायरेक्शन में बनने वाली मूवी मैं, रोनी और जॉनी। फिल्म की लीड कास्ट में प्रियांशु चटर्जी, तेज सिंह और संदली सिन्हा शामिल थे। 2007 में इस फिल्म को रिलीज के लिए प्लान किया गया था लेकिन किसी कारण अभी तक ये फिल्म रिलीज नहीं हो सकी है। हो सकता है कि आने वाले दिनों में ये फिल्म आपको किसी OTT प्लेटफॉर्म पर देखने को मिल सकती है। साल 2016 में रिलीज होने वाली तुम बिन पार्ट 2 में संदली सिन्हा ने स्पेशल अपेयरेंस दिए थे और यही एज एन एक्ट्रेस संदली सिन्हा की अब तक की रिलीज आखिरी फिल्म साबित हुई है। वीवर, संदली सिन्हा ने साल 2005 में किरण सलास्कर के साथ शादी की है और इस जोड़े के 2 बच्चे हैं और फिल्म इंडस्ट्री से दूर संदली सिन्हा एक खुशहाल जिंदगी गुजार रही है। तो व्यूअर, संदली सिन्हा अपने कंप्लीट करियर में इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में 7 मूवीज का हिस्सा रही हैं, जिनमें से उनकी 1 मूवी एवरेज, 1 फ्लॉप और 4 डिजास्टर रही। 1 मूवी में संदली सिन्हा ने स्पेशल अपेयरेंस दिए हैं तो इस हिसाब से उनके कंप्लीट करियर का सक्सेस रेशो बनता है 16.67%। तो व्यूअर्स, ये थी संदली सिन्हा की रिलीज तमाम मूवीज की डिटेल। तो एज एन एक्ट्रेस संदली सिन्हा की रिलीज इन तमाम मूवीज में आपकी फेवरेट कौन कौन सी मूवीज हैं और संदली सिन्हा की जोड़ी आपको इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में किस एक्टर के साथ सबसे ज्यादा पसंद आई है, कमेंट सेक्शन में इस सिलसिले में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। तो फ्रेंड, ये था हमारा आज का वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि हमारी आज की कोशिश आप व्यूअर्स को पसंद आई होगी। हमारी आज की वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और साथ ही साथ हमारे चैनल में सात स्टार्स को सब्सक्राइब करना भी ना भूलिएगा और साथ ही इस बेल आइकॉन को भी जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलती रहे। हमारा आज का वीडियो देखने का आप तमाम व्यूअर्स का बहुत बहुत शुक्रिया।